Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग क्लास फोर बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है द ब्रिटिश रूल। इससे पहले हम पढ़ चुके थे, लेट्स अगेन लेट्स अगेन कुछ क्वेश्चन थे, अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स पढ़ेंगे, द इन्वेडर्स एंड ट्रेडर्स और लेट्स अगेन वो भी हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे द यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडिया। ठीक है, द यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडिया, भारत में यूरोपीय व्यापारी। द यूरोपियन कंट्रीज ट्रेडेड विद इंडिया सिंस वेरी अर्ली टाइम्स। जो यूरोपीय थे देशों ने बहुत समय पहले, शुरुआती समय में ही भारत के साथ क्या किया, व्यापार किया था। इंडियन स्पाइसी कॉटन सेल के पीसेस स्टोन, इंडिगो मीन्स मेहंदी होता है, सॉरी नील है, एंड मैनी अदर स्पेशल इंडियन गुड्स अट्रैक्टेड टू इंडिया। जैसे भारतीय मसाले, कपास, रेशमी, कीमती पत्थर, नील और अन्य और कई अन्य विशेष भारतीय सामानों ने उन्हें क्या किया था, जो थे यूरोपीय को जो थे वो आकर्षित करते थे, भारत की जो इन चीजों को उनको क्या करते थे, वो आकर्षित करते थे। लेटर द अरब्स एंड द तुर्क्स क्लोज द सी एंड लैंड रूट्स टू रीच इंडिया। बाद में अरब और तुर्क ने भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री और जो भूमि मार्ग थे उनको क्या किया था, बंद कर दिया था। द यूरोपियंस वर फोर्स टू पे देम अ लॉट ऑफ मनी टू गेट गुड्स फ्रॉम इंडिया। भारत से माल लाने के लिए यूरोपीय लोगों को उन्होंने, जो तुर्क वाले थे, जो तुर्क अरब थे, जो लैंड और समुद्र का मार्ग बंद करते थे, वो यूरोपीय को क्या करते, फोर्स करते थे कि आपको अगर यहाँ सामान ले जाना है तो बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। देयरफॉर द रूलर्स ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज सेंट एक्सप्लोरर लाइक मैगलन, कोलंबस, वास्को डी गामा एंड अदर्स टू फाइंड अदर सी रूट्स दैट वुड टेक देम टू इंडिया। जो यूरोपीय देश के शासक थे उन्होंने मैगलन, कोलंबस, वास्को डी गामा और अन्य लोगों को भेजा था समुद्री मार्ग को ढूंढने के लिए, ताकि हम मतलब अपना जो भी मार्ग के यातायात का जो भी असुविधा हो रही थी वो आसान हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया था, जो यूरोपीय देश के जो शासक थे उन्होंने इन लोगों को भेजा था मार्ग खोजने के लिए। इन 1498 CE पुर्तगाल सेलर वास्को डी गामा फाउंड अ न्यू सी रूट टू इंडिया। 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोज लिया था। ही सेल्ड अराउंड द कैप ऑफ गुड होप विच इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका एंड रीच्ड कालीकट नाउ नोन एज कोझिकोड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वह अच्छी उम्मीद के साथ रवाना हुए थे अफ्रीका की सबसे दक्षिणी यात्रा में, मतलब क्या नए सी रूट खोजने, समुद्र मार्ग खोजने के लिए वो निकले थे और भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट तक पहुंच गए थे। ही वेंट बैक होम विद शिप फुल ऑफ स्पाइसी इंडिगो टेक्सटाइल्स एंड मैनी अदर स्पेशल गुड्स फ्रॉम इंडिया। वो भारत से बहुत सी चीज़ें ले गए थे, जैसे कि स्पाइसी मसाला, नील टेक्सटाइल कपड़े और अन्य जो चीज़ें थे, गुड्स थे, सामान थे, वो अपने जहाजों में भर के बहुत सी चीज़ें ले गए थे वहाँ से। द पुर्तगाल ट्रेडर्स वॉन्टेड मोर सो दे केम बैक टू इंडिया टू गेट दिस गुड्स। पुर्तगाली व्यापारी जो थे अधिक और भी सामान चाहते थे कि हम यहाँ से ले जाए, इसलिए वे इन सामानों को लेने के लिए भारत वापस आए थे। दे सेट अप देयर ट्रेडिंग सेंटर एट कालीकट, कोची एंड कैनोर ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम वेयर दे सेंट स्पाइसी सिल्क एंड अदर इंडिया गुड्स टू दियर ओन लैंड्स। उन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट, कोचीन और कैनोर में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, जहां से उन्होंने मसाले, रेशम और अन्य भारतीय सामान अपनी अपनी मतलब अपनी देशों में भेजे थे, अपनी जमीन पर भेजे थे। सून मैनी ऑफ देम सेटल्ड इन गोवा एंड फाइनली कैप्चर्ड। वो जल्दी ही गोवा में उन्होंने बस गए थे और आखिर में उस पर कब्जा भी कर लिए थे। जल्दी वहाँ पे वो इस तरीके से जब व्यापार करने लगे तो वो जल्दी गोवा में बस गए और पर उस जगह पे कब्जा भी कर लिए थे। द पुर्तगाल बिकम टू पावरफुल दैट शिप्स फ्रॉम अदर कंट्रीज वर नॉट अलाउड टू केम टू इंडिया विदाउट दियर परमिशन। पुर्तगाली इतने शक्तिशाली हो गए थे कि अन्य देशों के जहाजों को उनकी अनुमति के बिना भारत आने की अनुमति नहीं थी, वो इतने शक्तिशाली हो गए थे। इन द 17th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडर्स फ्रॉम हॉलैंड ब्रैकेट में नाउ पार्ट ऑफ नीदरलैंड, तो जो हॉलैंड ही नीदरलैंड का ही हिस्सा है, इंग्लैंड, डेनमार्क एंड फ्रांस आल्सो केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग।
17वीं शताब्दी में हॉलैंड अब जो नीदरलैंड का एक हिस्सा है, इंग्लैंड, डेनमार्क और फ्रांस के यूरोपीय व्यापारी भी व्यापार के लिए भारत आए थे। द फर्स्ट अमंग देम वर द डच लकिंग पीपल फ्रॉम द हॉलैंड, ये जो डच थे हॉलैंड के लोग थे, हु केम टू इंडिया इन 1602 CE। इनमें सबसे पहले जो थे डच थे, जो हॉलैंड के लोग थे, जो 1602 ईस्वी में भारत आए थे। दे डिफीटेड द पुर्तगाल एंड सेटल इन कोचीन। ग्रेजुअली द ब्रिटिश दानिश फ्रॉम डेनमार्क एंड फ्रेंच ट्रेडर्स आल्सो केम टू इंडिया। उन्होंने पुर्तगाली को हराया, कोचीन में बस गए। धीरे धीरे ब्रिटिश, डैनिश, डेनमार्क और फ्रांसीसी व्यापारी भी भारत आए थे। दे सेट अप दियर ट्रेडिंग सेंटर्स अलॉन्ग द पोर्ट्स ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत के कुछ हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किए थे। हाउएवर द डच वर फोर्स्ड टू लीव इंडिया ड्यू टू द ग्रोइंग पावर ऑफ द ब्रिटिश। हालांकि अंग्रेजों की बढ़ती ताकत के कारण डच को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब अंग्रेजों की ताकत बढ़ गई तो डच जो है भारत छोड़ के चले गए थे। दानिश ट्रेडर्स डिड नॉट स्टे फॉर लॉन्ग इन इंडिया एंड सोल्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर टू द ब्रिटिश। डैनिश थे व्यापारी लंबे समय तक भारत में नहीं रह पाए और उन्होंने व्यापारी केंद्र जो है ब्रिटिश को बेच दिया था। द फ्रेंच एंड ब्रिटिश बिकम द मोस्ट पावरफुल यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडिया। फ्रांसीसी और ब्रिटिश भारत के सबसे शक्तिशाली रूपी व्यापारी बन गए। तो बच्चों लिस्ट आई टू हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स लिस्ट आई टू को भी हम इसी में कवर करेंगे। लिस्ट आई टू में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्क विथ योर पार्टनर ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप फिगर 3। अंडरलाइन द नेम्स ऑफ द 5 यूरोपियन कंट्रीज दैट केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग बिटवीन 15th एंड 16th सेंचुरी। तो जो पॉलिटिकल मैप है फिगर 3, इसी में क्या करना है आपको, 5 यूरोपियन कंट्रीज के नाम जो है आपको ढूंढने हैं। तो जो 5 कंट्रीज के नाम है, पुर्तगाल है, डेनमार्क, फ्रेंच है, फ्रांस है, नीदरलैंड्स है एंड द यूके ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप है। सेकेंड क्वेश्चन है, नंबर दिस सेंटेंस इन ऑर्डर ऑफ विच दे हैपेंड। तो आपने जिस चैप्टर में पढ़ा है उस के आधार पर जो हैपेंड हुआ है, जो आपने देखा है, इसमें क्वेश्चन दिए हुए वो जो है क्रम में नहीं है, इसे आपको क्या करना है, क्रम वाइज डालना है, नंबरिंग करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पे है, वास्को डी गामा टुक सिप्स फुल ऑफ स्पाइसी इंडिगो टेक्सटाइल एंड मैनी अदर स्पेशल गुड्स फ्रॉम इंडिया टू पुर्तगाल। तो वास्को डी गामा थे भारत से पुर्तगाल क्या क्या ले गए थे यहाँ से, वो जो है मसाले और नील, बस और कई अन्य विशेष सामान को जहाज में भरकर पुर्तगाल ले गए थे। तो ये जो क्वेश्चन है आपका नंबर पे आएगा 3। बी क्वेश्चन है आपका, द यूरोप कंट्रीज ट्रेडेड विद द इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स, लेटर द अरब्स एंड द तुर्क्स क्रॉस्ड द सी एंड लैंड थ्रू टू रीच इंडिया। यूरोपीय देश जो थे भारत प्राचीन काल से भारत के साथ व्यापार करते थे। भारत में पहुंचने के लिए अरब और तुर्कों ने क्या किया था, यूरोपियों को आने जाने के लिए जो जल मार्ग था वो समुद्री मार्ग था वो बंद कर दिए थे। तो ये क्वेश्चन जो होगा आपका 1 पे आएगा। सी क्वेश्चन से, द रूलर्स ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज सेंट एक्सप्लोरर टू फाइंड अदर सी रूट टू इंडिया। जो यूरोपीय देश के शासक थे उन्होंने भारत के अन्य समुद्री मार्ग खोजने के लिए क्या किए थे, खोजकर्ताओं को भेजे थे। इन 1498 सी वास्को डी गामा रीच कालीकट आफ्टर सेलिंग अराउंड द सदर्न मोस्ट टू ऑफ अफ्रीका एंड दस फाउंड अ न्यू रूट टू इंडिया। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने कालीकट के सबसे दक्षिणी सिरे के आसपास अपना जो नौकायान है करने के बाद कालीकट पहुंचे और इस प्रकार उन्होंने भारत के लिए एक नया मार्ग खोजा था। ये जो क्वेश्चन है आपका सी क्वेश्चन वो नंबर 2 पे आएगा। डी क्वेश्चन है, इन द 17th सेंचुरी द डच डिफीटेड द पुर्तगाल एंड सेटल्ड इन कोचीन। 17वीं शताब्दी में डच ने पुर्तगालियों को हराया और भारत और कोचीन में बस गए थे। ये क्वेश्चन जो है डी क्वेश्चन आपका जो नंबर आएगा 5th क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर आएगा। ई क्वेश्चन है, द फ्रेंच एंड ब्रिटिश बिकम द मोस्ट पावरफुल यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडिया। फ्रांसीसी और ब्रिटिश भारत में सबसे शक्तिशाली यूरोपीय व्यापारी बन गए थे। तो ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट आएगा 8 नंबर आएगा, मतलब यहाँ पे 8 नंबर आप डालेंगे। एक क्वेश्चन है, द ब्रिटिश, दानिश एंड फ्रेंच ट्रेडर्स सेट अप देयर ट्रेडिंग सेंटर इन द पोर्ट सिटीज ऑफ इंडिया।
ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी व्यापारियों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो एक क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर आएगा। जी क्वेश्चन से आपका द पुर्तगाल जी क्वेश्चन से द पुर्तगाल ट्रेडर्स केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग एंड सेट अप ट्रेडिंग सेंटर एट कालीकट, कोचीन एंड कैनूर। द पुर्तगाल सेटल्ड इन गोवा एंड कैप्चर्ड इट। पुर्तगाली जो व्यापारी थे, व्यापारी ने भारत आए और कालीकट, कोचीन और कैनूर में व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे अपने। पुर्तगाली जो थे गोवा में बस गए और इस प्रकार उस पर कब्जा कर लिए थे। वो जब आए थे तो क्या किए, तो गोवा में बस गए और उस पर कब्जा कर लिए थे। ये क्वेश्चन जो होगा आपका 4th नंबर होगा। इस क्वेश्चन है द डच लेफ्ट इंडिया ड्यू टू द ग्रोइंग पावर ऑफ द ब्रिटिश। द डानिश ट्रेडर्स सोल्ड दियर ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ द ब्रिटिश। अंग्रेजों की बढ़ती ताकत के कारण डच ने भारत छोड़ दिया था और डेनिश व्यापारियों ने अपने व्यापारिक केंद्र को अंग्रेजों को भेज दिया था। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 7 नंबर का आएगा। ओके, थैंक यू बच्चों। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप जरूर पूछिएगा।